हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का बच्चों स्वागत है। मैं आपका दोस्त रोहित आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि अरुण शर्मा का जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का बुक है उसको यूज़ कैसे किया जाए। बच्चों, अगर आप कैट के लिए एग्ज़ाम की प्लानिंग कर रहे हो, आप किसी ऑनलाइन कोचिंग में हो, ऑफलाइन कोचिंग में हो, या फिर सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको कैट के एग्ज़ाम में पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा परेशान करता है, वो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। और इस प्रॉब्लम की वजह से वो सोचते हैं कि सर कोई अच्छी बुक मिल जाए जिससे ये प्रॉब्लम उनकी ख़त्म हो जाए। ज़्यादातर बच्चे बच्चों क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए अरुण शर्मा की बुक प्रिफर करते हैं, जो कि सबसे टॉप की बुक है, बहुत बेहतरीन बुक है। आज इस बुक में हम जानेंगे कि ये अरुण शर्मा का जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का बुक है, इसे 3 महीने में कैसे इस लेवल पे तैयार कर लें कि हमारा कैट में क्वांट वाले सेक्शन में 99.99% आ जाए। बच्चों, ये क्वांट की बुक तो है बहुत बेहतरीन, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता कि सर स्टार्ट कहाँ से करना है, इस बुक के लिए स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, प्लानिंग क्या होनी चाहिए, कौन सा टॉपिक पहले करना है, कौन से टॉपिक को कितना दिन देना है, ड्यूरेशन कैसे प्लान करना है, अगर ये सब आपको नहीं पता है तो ये बुक आपको बहुत परेशान करती है। यकीन मानिए, अगर आपने इस बुक को सही स्ट्रेटेजी, सही प्लानिंग, सही टाइम ड्यूरेशन, टॉपिक के हिसाब से कौन सा टॉपिक पहले कौन सा टॉपिक बाद में, ये सब कुछ प्लान करके अगर किया तो क्वांट में आपका हाथ पकड़ने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। बच्चों, ज़्यादातर बच्चों के पास ये बुक होती है लेकिन खुद से कर नहीं पाते हैं। रीज़न ये है कि उनको एक सही स्ट्रेटेजी पता नहीं है कि इस बुक को कैसे यूज़ किया जाए। आज हम जानने वाले बच्चों कि इस बुक को कैसे यूज़ करके 3 महीने के अंदर आप अपना क्वांट इम्प्रूव कर सकते हैं और क्वांट में 99.99% की प्लानिंग कर सकते हैं। चलिए बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। प्लानिंग ये है बच्चों कि इस पूरे बुक में 6 ब्लॉक है, ब्लॉक्स के हिसाब से बुक बटा हुआ है, 6 अलग अलग ब्लॉक हैं इस बुक में, पर हम प्लान कर रहे हैं 90 डेज। 90 डेज का मतलब ये हो गया 3 महीने की पूरी प्लानिंग। अब ध्यान दो, 90 डेज को अगर हम डिवाइड करें ब्लॉक के हिसाब से तो हर ब्लॉक को मिल रहा है बच्चों 15 डेज पर ब्लॉक। लेकिन क्या सारे के सारे ब्लॉक करना इम्पॉर्टेंट है क्या? बिल्कुल नहीं। कुछ ब्लॉक ऐसे हैं जिस ब्लॉक से क्वेश्चन पूछे ही नहीं गए हैं। अब स्टार्ट कहाँ से करना है आपको? अगर आपने अभी तक कोई भी क्वांट की क्लास नहीं ली, कोई भी बुक नहीं ली, आपकी ज़िंदगी की पहली बुक है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए, नया नया ताज़ा ताज़ा खरीद के लाए हो, तो ये गलती बिल्कुल मत करना। यहां से क्वांट और इस प्लानिंग के साथ ही आपको स्टार्ट करना है। बच्चों, 15-15 दिन के हिसाब से प्लान किया है हमने। एकदम ध्यान से देखिए कि शुरू कहां से करना है। सबसे पहले स्टार्टिंग में 4 चैप्टर दिए गए हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4। आपका मैथ्स कितना अच्छा होगा वो इस बात पे डिपेंड करता है बच्चों कि आपका कैलकुलेशन स्पीड कितना है। अगर आपके कैलकुलेशन की स्पीड अच्छी नहीं है तो आपका मैथ्स अच्छा नहीं हो सकता, ये सच्चाई है। तो बुक को शुरू करने से पहले सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपने कैलकुलेशन को सुपर फास्ट बनाइए। हालांकि कैलकुलेटर का यूज़ अलाउ है कैट के एग्ज़ाम में, लेकिन कैलकुलेटर से भी तेज़ आपका दिमाग कैलकुलेट कर सकता है। तो आपको पहले पांच दिन आपको कैलकुलेशन पे काम करना है, एडिशन सब्सट्रैक्शन पे काम करना है, मल्टीप्लिकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, परसेंटेज कैलकुलेशन, रेशियो कंपैरिजन, स्क्वायर, क्यूब नंबर्स, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, कैलकुलेशन पे जितना तगड़ा कमांड आप करोगे, शुरुआत यहीं से करना बच्चों,
सबसे पहले कैलकुलेशन पे काम करना है। बुक में खुद कैलकुलेशन दिया हुआ है, लेकिन आपको अगर कैलकुलेशन और अच्छा करना है, खुद से कैलकुलेशन करना है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने कैलकुलेशन ट्रिक्स का लिंक दे दिया हुआ है, आप वहां से शुरुआत कर लीजिए। तीन वीडियोस हैं, एकदम बेहतरीन तरीके से डिटेल कैलकुलेशन ट्रिक्स मैंने करवाए हैं, ये सब कुछ कवर हो जाएगा। सबसे पहली चीज, 5 दिन पूरा दीजिए कैलकुलेशन पे बच्चों। जरूरत लगा तो डिस्क्रिप्शन में तीनों वीडियो का लिंक मैंने दिया है जो कैलकुलेशन पे ही बेस्ड है, उनको वो तीन वीडियो आपको 1 2 3 करके खत्म करना है। और उसके बाद इसको बच्चों 3 बार से ज्यादा रिवाइज करना है। सबसे पहली शुरुआत यहीं से होनी चाहिए, कभी भी डायरेक्ट दूसरे टॉपिक पे जाओ मत मेरे बच्चों, पहले कैलकुलेशन पे काम करो, उसके बाद कहां जाना है। 5 दिन अगर आपने कैलकुलेशन को दिए, तो जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको ब्लॉक दिखेंगे, ब्लॉक नंबर 1, ये ब्लॉक नंबर 2 और ये है ब्लॉक नंबर 3। टोटल 6 ब्लॉक हैं, बारी बारी से डिस्कस करते हैं बच्चों। 6 ब्लॉक, पहले 3 ब्लॉक में देखो, पहला ब्लॉक है ब्लॉक नंबर 1, नंबर सिस्टम और प्रोग्रेशन का। ब्लॉक 2 एवरेज और मिक्सचर एलिगेशन का है। ब्लॉक 3 में परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस है। अब दिक्कत ये आ जाती है कि जब भी आप बुक लेते हो तो जैसे जैसे बुक में लिखा गया है वैसे वैसे आप पढ़ते चले जाते हो। बच्चों, इस ब्लॉक में से गलती से भी आपने पहले नंबर सिस्टम स्टार्ट कर लिया तो अगले 1 से 1.5 घंटे के बाद आपका बुक की तरफ देखने का मन ही नहीं करेगा। जब क्वेश्चन आपसे बनने शुरू हो जाते हैं और लगातार बनते चले जाते हैं तो आपका मन लगने लगता है बुक को सॉल्व करने में। लेकिन नंबर सिस्टम थोड़ा ट्रिकी टॉपिक है, गलती से भी आपको नंबर सिस्टम पहले नहीं उठाना है, क्योंकि नंबर सिस्टम एक डीप अंडरस्टैंडिंग मैथ्स की मांगता है। कैलकुलेशन अगर आपने कर लिया तो आपने खाली अपनी स्पीड पे काम किया है, नंबर सिस्टम को समझने की कैपेबिलिटी अभी डेवलप नहीं हो पाई है। तो सबसे पहले कौन सा ब्लॉक करें हम? सबसे पहले आपको जाना है ब्लॉक नंबर 3 पे। 2 पे भी मत जाइएगा, क्योंकि एवरेज और मिक्सचर एलिगेशन में इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले बच्चों आपको जाना है ब्लॉक नंबर 3 पे। 15 दिन की प्लानिंग इसके लिए दे देता हूं मैं, 15 दिन की प्लानिंग। 15 दिन नहीं, इस ब्लॉक में टॉपिक ज्यादा है तो एक काम कर लेते हैं बच्चों, हम 20 दिन की प्लानिंग कर लेते हैं। 20 दिन की प्लानिंग कर लेते हैं, 20 दिन लगाओ। सबसे पहले परसेंटेज करो बच्चों, सबसे पहले परसेंटेज। अच्छा, हर ब्लॉक के हर टॉपिक में 3 लेवल दिया गया है, LOD 1, LOD 2, LOD 3। तो सर क्या सारे के सारे लेवल करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। LOD 3 ना भी करोगे तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि अब तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, LOD 1, LOD 2 इज मोर देन सफिशियंट टू क्रैक कैट एग्जामिनेशंस। अगर कैट के जितने भी एग्जाम आज तक हुए हैं उसको मैं अच्छे से एनालाइज करूं, तो जिन्होंने LOD 1, LOD 2 ही किया है बहुत अच्छे से, उनका भी कैट बड़े आराम से निकल गया है। तो पहले कोशिश करो कि LOD 1, LOD 2 ही खत्म किया जाए। स्टार्ट आपको करना है बच्चों परसेंटेज से, परसेंटेज से स्टार्ट कीजिए। 20 दिन की प्लानिंग इसके लिए कीजिए, 1 2 3 4 5 6 टॉपिक है इसमें, 3 3 दिन भी डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो सही है। अच्छा, जब प्लानिंग करोगे ना बच्चों, तो मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा हूं, 45 मिनट 1 सिटिंग में बैठने की हैबिट डेवलप करो। 1 सिटिंग जो होगा आपका वो होगा 45 मिनट का। आपका मन करेगा कि अरे छोड़ दो, हटा दो, ऐसा कर दो, बिल्कुल नहीं, 45 मिनट बैठना ही बैठना है।
उसके बाद उठो, 5 से 10 मिनट का ब्रेक लो, फिर से 45 मिनट बैठो। जब आप बैठोगे बच्चों तो आपके सामने ये प्रॉब्लम आएगी कि सर क्वेश्चन नहीं बन रहा है। नहीं बन रहा है तो पहले तो 1-2 मिनट खुद से सोचो, उसके बाद पीछे का सॉल्यूशन देखो, पहले देख के समझो, लिखो मत, देख के समझ जाओ। पूरी कोशिश करो कि समझ में आ जाए। जब आपको समझ में आ जाएगा तो उसके बाद खुद से सॉल्व करो। ये काम आपको करना है। जैसे जैसे आप सॉल्व करते जाओगे, दिमाग में ये याद रखो कि जितने भी क्वेश्चन आप आज कर रहे हो, मान लो आज आप 100 क्वेश्चन बना चुके हो किसी भी टॉपिक का, मान लो परसेंटेज के आपने 100 क्वेश्चन बनाए, तो ये 100 क्वेश्चन बनाने में आपको जितना टाइम लगा उसका 20% टाइम लगेगा इसको रिवाइज करने में। जैसे आपने 1 घंटे का पूरा टाइम दिया 100 क्वेश्चन बनाने में, तो रिवीजन करने में खाली 20% यानी 12 मिनट लगेगा। कभी भी एक बार क्वेश्चन करके छोड़ना नहीं है बच्चों, उसी दिन सेकेंड टाइम थर्ड टाइम रिवीजन करना ही करना है, क्योंकि आपका मैथ्स कितना अच्छा होगा ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपका रिवीजन कितना है। ज्यादातर बच्चे यही गलती करते हैं कि एक बार करके छोड़ देते हैं, फिर रिवीजन करते नहीं, वो भूल जाता है, 48 से 72 घंटे के अंदर भूल जाता है। लेकिन अगर आपने जो क्वेश्चन आज बनाया उसको आज के आज ही 8-8 घंटे, 4-4 घंटे के गैप पे 3 बार रिवाइज कर लिया, तो वो क्वेश्चन आपको लाइफ टाइम नहीं भूलता है। तो जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जा रहे हो वैसे वैसे रिवीजन करना है। अपने आप को इतना रिजिड बना दो कि कोई भी सिचुएशन आ जाए, जितने क्वेश्चन मैं आज बना रहा हूं उसको बिना 3 बार रिवाइज किए मैं सोऊंगा नहीं। ये नियम जबरदस्ती अपने आप पे लगाओ। तो बच्चों परसेंटेज से ही शुरू करना है, क्योंकि अरिथमेटिक का जो बेस है, अरिथमेटिक का जो अप्रोच है, जो उसका अंडरस्टैंडिंग बनेगा वो परसेंटेज से ही बनेगा। अगर आपको परसेंटेज में प्रॉब्लम आ रही है बनाने में, तो इस बुक का परसेंटेज का जो टॉपिक है वो पूरा का पूरा, उसका एक एक क्वेश्चन हमने सॉल्व करवा दिया है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ बच्चों। क्योंकि परसेंटेज अगर आपसे बन गया तो प्रॉफिट लॉस और इंटरेस्ट रेशियो एंड प्रपोर्शन बहुत आराम से बन जाएगा। तो आपसे अगर खुद से नहीं बनेगा बच्चों, तो ये पूरा का पूरा परसेंटेज लगभग 250 से 300 क्वेश्चन का एक एक क्वेश्चन हमने सॉल्व करवा के दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा बच्चों। तो वहां से आप परसेंटेज करने की कोशिश कीजिए, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। तो पहले आपको स्टार्ट करना है बच्चों ब्लॉक 3 से, ये पूरा का पूरा अरिथमेटिक मार के खत्म कीजिए। जब आपने ब्लॉक 3 खत्म कर लिया तो उसके बाद आइए ब्लॉक 2 पे, क्योंकि ये पूरा का पूरा अरिथमेटिक ही एवरेज मिक्सचर में आ जाएगा बच्चों। अब एवरेज और मिक्सचर के लिए कितना दे रहे बच्चों हम, 10 दिन। 10 दिन हम दे रहे हैं बच्चों, ठीक है। 90 डेज के हिसाब से मैं प्लानिंग बता रहा हूं। 5 दिन कैलकुलेशन का हो गया आपका, 20 दिन हमने दे दिया ये पूरा का पूरा अरिथमेटिक, 10 दिन दे देते हैं हम एवरेज और मिक्सचर को। अच्छा 10 दिन भी नहीं, बड़ा छोटा टॉपिक है, सही प्लानिंग करते हैं, 10 दिन भी मत दो इसको, दो खाली 5 दिन बच्चों, खाली 5 दिन दो। 5 दिन कैलकुलेशन, 20 दिन अरिथमेटिक, 5 दिन ये आपका बीत गया 1 महीना। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं। इस 1 महीने में आपने कैलकुलेशन कर लिया, अरिथमेटिक पूरा खत्म कर लिया, 3-3 बार रिवीजन के साथ खत्म कर लिया आपने, इसका मतलब ये हो गया कि आपने कैट के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का 50% पोर्शन खत्म कर लिया। क्योंकि हर एग्जाम में अरिथमेटिक से 50% से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। 2022-2023 के एग्जाम में 22 में से 10 से 11 क्वेश्चन खाली ब्लॉक 3 और ब्लॉक 2 से आए थे। इस 1 महीने में आपने लगभग 50% पोर्शन खत्म कर लिया। 50% पोर्शन यानी इस बात की गारंटी हो गई कि आपने सही सही एक्यूरेटली
10 से लेके 11 क्वेश्चन अगर आपने बना दिए अरिथमेटिक में, तो आपका 95% के ऊपर आना तय हो गया, गारंटी है आ जाएगा। तो एक महीने में हमने 95% तक का जुगाड़ कर लिया बच्चों। अब ध्यान दो आगे क्या करना है। उसके बाद बच्चों आना है ब्लॉक नंबर 1 पे। उसके बाद ब्लॉक नंबर 1 पे आना है आपको, बड़ा ही डीप कंसेप्ट है नंबर सिस्टम का। बहुत सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ सकती हैं, फॉर्मूला रटना पड़ सकता है, बहुत अच्छे लेवल की अंडरस्टैंडिंग चाहिए आपको। तो बच्चों 10 दिन इसके लिए प्लान करते हैं, 10 दिन में प्लान करता हूं इसके लिए। शुरुआत जब आप करते हो तभी से ये टेंशन देना स्टार्ट करेगा आपको। बहुत छोटी छोटी इसमें चीजें हैं जो दिमाग जल्दी एक्सेप्ट करता नहीं है, क्योंकि ये जो अरिथमेटिक है ये तो रियल लाइफ से रिलेट आप कर लेते हो, रियलिस्टिक लगती है, लेकिन नंबर सिस्टम साला रियल लाइफ से रिलेट नहीं होता, वो प्योर मैथ्स का पार्ट आता है, इसलिए बच्चे घबराते हैं। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, खुद से कोशिश करो बच्चों। नहीं हो रहा है तो डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक मैं दे रहा हूं। नंबर सिस्टम के स्टार्टिंग में अगर आपके एक दो वीडियो अच्छे से मेरे देख लोगे, तो आपको एक अपलिफ्ट मिल जाएगा, आपको एक अच्छा फ्लो मिल जाएगा, उसके बाद आप बड़े आराम से बना सकते हो। ठीक है बच्चों, तो अगर आपसे नंबर सिस्टम नहीं बन रहा है तो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं मैं, दो वीडियो आप देखो, उसके बाद खुद ही फ्लो आ जाएगा। तो मैंने आपकी कहाँ कहाँ हेल्प कर दी, कैलकुलेशन का वीडियो दे दिया बच्चों, पूरा परसेंटेज का वीडियो दे दिया, परसेंटेज पूरा दे दिया मैंने, नंबर सिस्टम के एक दो वीडियो डाल रहा हूँ वहां से देख लीजिए। तो 3 ब्लॉक हमारे खत्म हो चुके हैं, लेकिन अगर आप इतना भी कर लोगे, क्योंकि 22 क्वेश्चन में से 11 क्वेश्चन तो बन गए अरिथमेटिक के, और नंबर सिस्टम के कम से कम 3 क्वेश्चन, अगर 14 क्वेश्चन भाई साहब सही सही बना दोगे ना, 14 क्वेश्चन हो गया 99% बहुत आराम से हो गया 99%। लेकिन अभी भी हमारा दिन बाकी है, अभी तो 1 महीना 10 दिन ही गया ना, तो जरा फिर से एनालाइज करते हैं बच्चों ये। थोड़ा फिर से इसको एनालाइज करते हैं कि कितना दिन हमारा इसमें गया। एकदम सही प्लानिंग, एकदम ध्यान से इत्मीनान से देखते रहो, जल्दी जल्दी बोलने की मेरी आदत नहीं है। ठीक है बच्चों, कितने दिन इसमें गए जरा ध्यान दो। 5 दिन कैलकुलेशन का गया बच्चों अपना, 20 दिन अरिथमेटिक में चला गया, ब्लॉक 3 में गया हमारा 5 दिन, प्लस नंबर सिस्टम ब्लॉक 1 में गया हमारा 10 दिन, यानी सब मिला के चला गया हमारा बच्चों 40 डेज। कितना चला गया, 40 डेज। अच्छा, कोई भी दिन बिना रिवीजन के सोना नहीं है, ऐसा बिल्कुल प्लान मत करना कि पहले मैं कर लूं पूरा बुक खत्म कर लूं फिर रिवाइज करूंगा, कोई मतलब नहीं है। आज जो आप पढ़ते हो वो तीसरे दिन भूल जाता है। आप सोचो कि इस 40 दिन में जो फर्स्ट डे आपने पढ़ा और जो लास्ट डे आपने पढ़ा, आपको खाली इसके 3 दिन पहले की चीजें याद रहेंगी, पहले दिन क्या पढ़ा था भूल गया होता है। अगर आप ये चाहते हो कि 40वें दिन भी मुझे पहले दिन की चीज याद रहे, तो डे 1 से ये हैबिट डेवलप करो बच्चों कि जो भी आप पढ़ोगे बिना 3 बार रिवाइज किए सोओगे नहीं। अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हो तो आप मैथ्स में अच्छा कर ही नहीं सकते। सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र रिवीजन ही है, इसके अलावा दूसरा चारा नहीं है मैथ्स अच्छा करने का, इस बात को समझिए। तो पहले कैलकुलेशन, दूसरे नंबर पे ये ब्लॉक खत्म करो, तीसरे नंबर पे ये, चौथे नंबर पे आओ आप नंबर सिस्टम पे। आगे चलते हैं, आगे क्या करोगे। 99% तक का हमने काम कर लिया है, अब मैं आपको चॉइस देता हूं। अगर अलजेब्रा आपसे अच्छा नहीं बनता है, अलजेब्रा इजी है कि ज्योमेट्री इजी है, मैं आपको बताऊं तो ज्योमेट्री सबसे इजी है, क्योंकि लिखना कुछ नहीं है, डायग्राम एनालाइज करना है, अच्छे से थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो काम बन जाएगा आपका। सबसे इजी क्या है बच्चों, ज्योमेट्री। तो आप, मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको लगता है कि आपका अगर मैथ्स वीक है तो आप ज्योमेट्री ही उठाना। ज्योमेट्री में बच्चों
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अभी मत करना, सबसे पहले खत्म करना ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, सबसे पहले। इसके लिए देता हूं मैं 6 दिन, 6 दिन इसके लिए बच्चों, ठीक है। अगर आपको ज्योमेट्री करने में तकलीफ आ रही है तो इसका भी लिंक मैं आपको एक दो वीडियो दे देता हूं, ताकि फ्लो बन जाए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूं ताकि आपका फ्लो अच्छा बन जाए। ज्योमेट्री का पूरा लिंक दे देता हूं मैं, पूरा नहीं, एक आध दो लिंक मैं देता हूं। आपका फ्लो जब अच्छा बन जाएगा, स्टार्ट कहाँ से करना है, चीज़ें कैसी होनी चाहिए, तो आप धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हो। अगर ज्योमेट्री स्टार्ट करना है तो बेसिक से बिल्कुल मैं लिंक दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहां से स्टार्ट कर लीजिए। ज्योमेट्री के लिए हमने दिया बच्चों 6 दिन। उसके बाद आपको आना है ब्लॉक नंबर 5, जो कि है अलजेब्रा। अलजेब्रा बच्चों टाइम लेता है, 10 दिन देते हैं, 10 दिन, 10 दिन देते हैं। हालांकि पहले जो हमने डिस्कस किया, 99% का जुगाड़ वहां से हो चुका है, लेकिन मान लीजिए एक आध दो क्वेश्चन नहीं फंसे तो ज्योमेट्री से पूछा जाएगा कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन, और अलजेब्रा से ज्यादा पूछा जाता है, 5 से 6 क्वेश्चन। चॉइस आपकी है, या तो ज्योमेट्री अच्छा कर लो या तो अलजेब्रा अच्छा कर लो, दोनों सब्स्टिट्यूशन। ये अच्छा हो गया तो भी अच्छा स्कोर बनेगा, ये अच्छा हो गया तो भी, इसका दोनों कर लोगे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि मैथ्स दिमाग की एक्सरसाइज है। 10 दिन हमने उसको लिया ब्लॉक 5 के लिए। जो ब्लॉक 6 है, मैं सही बताऊं मेरे बच्चों, ये आता है एक्चुअली मॉडर्न मैथ्स में, मॉडर्न मैथ्स में आता है। आपको ये करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, क्योंकि एक आध क्वेश्चन आपके इसमें से पूछे जाते हैं, एक आध क्वेश्चन। अब उसके लिए अगर आपको करना होगा तो 4 दिन खाली दो, 4 दिन से ज्यादा दो मत, 4 दिन से ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। और मैं तो सजेस्ट करूंगा एकदम आखिरी में करो, नहीं तो मत करो, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ही नहीं पूछा गया, कभी कभी आया है तो एक क्वेश्चन आया है। अगर सही समय आपको बताऊं कि सर टोटल 22 क्वेश्चन है मैथ्स के, आपको खाली 11 से लेके 13 क्वेश्चन ही बनाना है। 11 तो अरिथमेटिक के आ गए, बचे 3 एक्स्ट्रा, तो वो नंबर सिस्टम और ज्योमेट्री मिला के मार दो, आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। सही प्लानिंग इसी को बोलता है। और 3-3 मिनट का अगर टाइम देखोगे तो भाई ये टोटल टाइम तो आपको इसके लिए मिल रहा है ना 40 मिनट, लेकिन आपको 13 क्वेश्चन 40 मिनट में बनाने के लिए कह दिया जाए, तो 3-3 मिनट पर क्वेश्चन, यानी एक क्वेश्चन को 3-3 मिनट आपको मिल गया, आप चाहिए क्या भाई। तो अगर आपको करना होगा तो पहले ज्योमेट्री उठाना, सबसे सिंपल है, उसके बाद जाना बच्चों अलजेब्रा पे। ये ना भी करोगे तो भी चलेगा। तो ये पूरी की पूरी प्लानिंग है, ये स्ट्रेटेजी है, सही स्ट्रेटेजी, खासकर नॉन इंजीनियर्स के लिए, जो नॉन इंजीनियर्स बैकग्राउंड के हैं, जिनको ये लगता है कि सर मैथ्स में मेरा क्या होगा, मैथ्स वीक है, उनको यही स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है बच्चों। मैं आपको बताऊं, LOD 1 LOD 2 आपने अच्छा कर लिया तो आपकी तीन चीजें बहुत अच्छी बनेंगी मैथ्स में। कौन कौन सी चीजें, ध्यान दो आप। अगर आपने इस हिसाब से बच्चों प्लानिंग किया तो अरुण शर्मा के बुक से जो सबसे अच्छी बात है वो क्या है पता है? इस हिसाब से अगर आप प्लानिंग कर रहे हो तो आपके साथ होगा क्या, कितने कितने दिन की हमने प्लानिंग की, 5 दिन कैलकुलेशन, 20 दिन अरिथमेटिक, 5 दिन हमारा वो हो गया ब्लॉक नंबर 3, नंबर सिस्टम के लिए 10 दिन, 40 दिन हो गया, प्लस ज्योमेट्री के लिए बच्चों हमने लिया 6 दिन, अलजेब्रा के लिए 10 दिन, और मॉडर्न मैथ्स करना है तो करो, नहीं तो छोड़ दो, 4 दिन। तो हो गया 20, 10, 30, 10, 40, 10, 50, 50, 10, 60, 60 डेज आपने बिता लिए बुक के साथ, 60 दिन, और हर क्वेश्चन आपने 3-3 बार रिपीट किया हुआ है, तो आपके साथ अब होगा क्या, ध्यान दो। इस 60 दिन में आपको हर टॉपिक का बेसिक्स अच्छे से आ जाएगा, हर टॉपिक के जो कंसेप्ट्स हैं वो अच्छा हो चुका होगा, आपका लॉजिक अच्छा हो चुका होगा,
जब आपके बेसिक अच्छे हैं, कंसेप्ट अच्छे हो गए, लॉजिक अच्छे हो गए, तो ये तीनों मिला के क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच डेवलप करता है। डायरेक्ट अप्रोच हो ही नहीं सकता। अच्छा, पहले ये चीजें अच्छी होती, यानी 60 दिन में आप अपना एक नया वर्जन तैयार कर लोगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में। जब आपको हर टॉपिक के हर क्वेश्चन का अप्रोच अच्छा मिल गया, अभी भी 1 महीना बाकी है आपके पास। अब इस 1 महीने में क्या करना है, फिर से ध्यान दो। इस 1 महीने में कैलकुलेशन वाले पार्ट को तो ध्यान ही मत दो। सबसे पहले अरिथमेटिक मारो पूरा का पूरा। अरिथमेटिक, अरिथमेटिक का मतलब ब्लॉक 3 और ब्लॉक 2। ब्लॉक नंबर 3 प्लस ब्लॉक नंबर 2 मार के खत्म करो 10 दिन में पूरा का पूरा। उसके बाद नंबर सिस्टम ब्लॉक नंबर 1 ये पूरा का पूरा मारो 5 दिन में। उसके बाद ज्योमेट्री पे जाओ ब्लॉक नंबर 4 वो मारो बच्चों 5 दिन में। उसके बाद जाओ ब्लॉक नंबर 6 अलजेब्रा उसको दो 10 दिन। यानी 30 दिन में आपने क्या किया, ये तो डेवलप किया ही, अगले 1 महीने में फिर से रिवाइज मार लिया आपने। अगर इतना कर लेते हो तो आपको कहीं भी किसी भी तरीके की क्वांट में प्रॉब्लम आनी ही नहीं है बच्चों, इस बात को समझिए। ज्यादातर लोग ऐसा कर नहीं पाते क्योंकि उनको प्लानिंग नहीं पता है कि बुक को पढ़ना कैसे है, बुक का फ्लो क्या है, प्लानिंग क्या है, स्ट्रेटेजी क्या है। ये सबसे बेहतरीन स्ट्रेटेजी है जो मैंने अपने लिए भी अप्लाई किया था। जब मैं 2013-14 में प्रिपरेशन कर रहा था बच्चों, तो यही स्ट्रेटेजी अप्लाई की थी मैंने। अब अगर आप इतना करने के बाद भी, देखो जब आप ये करोगे ना, तो आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आएगी कि सर आपने ये सब तो बता दिया लेकिन खुद से हो नहीं पा रहा है, सबसे पहली प्रॉब्लम। दूसरा कि कोई दूसरा करवा नहीं रहा है, दूसरा तो अपना मटेरियल पढ़ा रहे हैं, अपने क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, ये बुक के क्वेश्चन कैसे करवाऊं, बुक के क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो क्या करूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, उसका भी सोल्यूशन मेरे पास है। अगर ये प्लानिंग के हिसाब से आप जा रहे हो लेकिन खुद से क्वेश्चन बन नहीं पा रहा है, सॉल्यूशन बहुत लेंदी लग रहा है, आपको शॉर्ट ट्रिक्स नहीं पता है, आप फॉर्मूले में एक्स वाई में उलझ चुके हो और चाहते हो कि आप कोई अच्छा तरीका ढूंढो क्वेश्चन सॉल्व करने का, तो मैं आपको ये भी प्रॉब्लम खत्म कर देता हूँ बच्चों। इस पूरे बुक का, ये जो कंप्लीट अरुण शर्मा का बुक है, उसका मैं पूरा सॉल्यूशन लेके आया हूँ पूरा का पूरा। अलजेब्रा नहीं करवाया है मैंने, क्योंकि अगर मैं इतना भी आपको बोलता हूँ कि कर लोगे तो अच्छा हो जाएगा। अरिथमेटिक के बच्चों 2000 क्वेश्चन, नंबर सिस्टम के लगभग 250 क्वेश्चन, मेंसुरेशन के 150 क्वेश्चन और ज्योमेट्री के लगभग 300 क्वेश्चन है बच्चों। यानी टोटल मिला के 2000 ये हो गया हमारा 4 दिन, यानी 2700 क्वेश्चन का एक कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा मेरे कोर्स में। कोर्स का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप अभी से स्टार्ट करो। अगले 3 महीने में क्वांट में आपका हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं मिलेगा। तो बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आप खुद से स्टार्ट करोगे इस प्लानिंग के साथ। अगर आपको हमारी हेल्प चाहिए तो कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। यकीन करो, हजारों बच्चों ने लिया है, हजारों बच्चों ने 2 से 2.5 महीने में इतना अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट कर लिया है कि वो बोलते हैं कि सर अब तो ऐसा होता है कि मैथ्स का टेंशन ही खत्म हो गया, मैथ्स के क्वेश्चन देखते ही बन जा रहे हैं, कभी कभी तो वर्ड टू वर्ड वैसे ही फॉर्मेट का क्वेश्चन आ रहा है जैसे कि हमने सॉल्व किए हुए हैं बच्चों। तो बच्चों, उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगा। अगले वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ, कुछ नए स्ट्रेटेजी के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।